नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो, आज हम स्वराज 855 FE 5 स्टार का रिव्यू करेंगे और मैं इसकी कंप्लीट वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ आपको। पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखना, ताकि आने वाली वीडियो में जो भी आपको मैं बताऊँगा आप पूरी जानकारी ले सको। तो इसलिए मिस मत करना, ना कोई स्किप करना। आप वीडियो को स्किप कर देते तो बहुत सारा छोड़ देते, फिर बोलते आपने भाई वो नहीं बताया, ये नहीं बताया। प्लीज़ निगेटिव कमेंट ना करें, पूरी वीडियो देखें। जब आप मेरे से कुछ पूछना, कुछ चीज़ अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो वो फिर सिर्फ इसलिए छोड़ता हूँ कि आप मेरे से कमेंट करके पूछ सको। नहीं तो अगर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो कम से 15 से 20 मिनट का बन जाएगा, आप उसे ऑन भी नहीं करने के, देखने के तो कोई बहुत दूर की बात। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर करना, ना लगे प्लीज़ तो भी लाइक कर देना। और कुछ चीज़ छूट जाती है, कुछ कमी रहती है, आप मेरे से कमेंट में जरूर बता सकते हो, ताकि आगे से मैं उस चीज़ में सुधार कर सकूँ, ठीक है ना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, नहीं किया तो जा करके अभी रेड कलर का नीचे वीडियो के रेड कलर का सब्सक्राइब आ रहा होगा लिखा हुआ, उसको दबा करके और बगल में बेल आइकन आएगी बनी हुई घंटी, उसको दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर देना सभी पर, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसे आप देख सकते हो, ये ट्रैक्टर हमें आगे के टायरों से हम शुरुआत करते हैं, गुडियर के मिल जाते हैं 750-16 के। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हो, ठीक है। और पीछे के दो टायरों का ऑप्शन मिल जाता है, 14-28 और 16-28 का। इसमें 14-28 के टायर है, आप देख सकते हो, ये भी गुडियर के हैं, ठीक है। और ट्रैक्टर के हम टोटल वेट की बात कर लेते हैं तो 20 किलो का ट्रैक्टर मिलेगा, यानी कि 2020 किलो का ट्रैक्टर है टोटल। और हम इसका पावर स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो इसका पावर स्टीयरिंग किस पैसे, पहले इसका जो एक्सल आता है वो हैवी ड्यूटी एक्सल आता है, प्लस एडजस्टेबल है, आप अपने खेती के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और प्लस इसका पावर स्टीयरिंग सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रोड मिलता है, जो कि अलग से ऑयल मिलता है इसमें सेपरेटली। आगे का मैं शेप दिखा देता हूँ पहले ट्रैक्टर का, थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बढ़ी ट्रैक्टर की, ये देख सकते हो, ठीक है ना। इसका जो जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं चूल्हा, वो भी इसका थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। 2021 का मॉडल है, अपग्रेड मॉडल। इस ट्रैक्टर में क्या क्या चेंज हुआ वो मैं आपको बताता रहूँगा, आप वीडियो के साथ बने रहना। तो जैसे हम पहले बोनट खोल के देख लेते हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या डिफरेंट है फिलहाल। तो जैसे आप देख सकते हो, इसमें 1.5 लीटर का लगभग कूलेंट बॉक्स मिल जाता है, अलग से ऑयल्ड टैंक इधर मिल जाता है इसका, पावर स्टीयरिंग ऑयल, ठीक है ना। और इसमें 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है तो तीनों का हेड अलग अलग है, ठीक है ना। इसका इंजन की सीसी की जो बात करते हैं, 3307 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 2000 RPM निकालता है इंजन के पूरे, ठीक है। और इसमें देख सकते हो अलग अलग सिलेंडर पे, मतलब अलग अलग सिलेंडर का आप अलग अलग काम करा सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं आपको पूरा हेड खुलवाना पड़े कभी कभी भी अगर ट्रैक्टर में कोई काम मांगता है, ठीक है ना। इसे हम बंद कर दे लेते हैं, बहुत ही ईजी है ऑपरेट करना, मैंने एक ही हाथ से भी कंप्लीट काम किया, ठीक है। और इसमें स्वराज की जो 3D अब एनवेलप, ये गोल्डन स्ट्रिप बहुत ही प्रीमियम दिखाती है ट्रैक्टर को, 5 स्टार की रेटिंग है, देख लो 5 स्टार दे रखे, 4 स्टार में भी आता है। और सिंस 1974 में कंपनी स्टेबल हुई थी सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा के साथ, ठीक है। इस 2021 मॉडल में देख सकते हो, इसमें जैसे पीछे लाइट के वायर है, ये खुली वायर नहीं चलती, इसे भी एक पट्टी के नीचे कर दिया है लोहे की, देख सकते हो आप ये, ठीक है, आपके पैर वैर में कभी नहीं लगेगी। ये ट्रैक्टर 5 स्टार जो मिलता है आपको डबल क्लिच में मिलेगा, ना कि ड्यूअल, ये सिंगल क्लिच अपना अलग काम करेगा। और इसका पीटो का क्लिच ही अलग कर दे, देख सकते हो, इसको यहाँ पर के आप फांस करके इसको चला सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो पीटो मिल जाते हैं 540+1000 मिलेगी, CR पीटो के साथ मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो फुट स्टैपर मिल जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, कितना हैवी ड्यूटी पायदान के साथ आ जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसका जो इधर ग्रैब हैंडल दे रखा पैसेंजर को बैठने के लिए, इसमें इस तरह का स्टैंड दे दिया कि आप इसे पकड़ कर भी चढ़ नहीं सकते हो, इसमें बिल्कुल अलग तरीके इसकी मोड़ कर रखा, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। हैलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर प्लस पार्किंग लाइट मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ऑयल्ड बाथ वाला एयर क्लीनर मिल जाता है ट्रैक्टर का, बॉस का इनलाइन पंप मिलता है 3 सिलेंडर पंप के लिए, 3 लाइन का पंप मिलेगा। हॉर्न की थोड़ी आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल हाईवे पर खड़ा हूँ NH-58 पर, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें बॉस का डबल डीजल फिल्टर मिल जाता है, ठीक है। 60 लीटर का डीजल टैंक इधर दिखा रखा है, मैंने आपको दिखाया लोहे का ही है, इधर से इधर फिल करेंगे। आइए दूसरी तरफ चल लेते हैं, थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं ट्रैक्टर में क्या मिल जाता है। इसमें देख सकते हो PTO रिवर्स PTO का बिल्कुल एनवेलप दे रखा, ठीक है ना, आर बनाकर रिवर्स PTO। इसमें एक इसमें मिल जाता है पावर स्टीयरिंग का ये वाला है पंप इसमें, और इसमें हाइड्रोलिक पंप ही है, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है, इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है ट्रैक्टर में। और इधर से देख सकते हो बिल्कुल बाहर साइलेंसर दे रखा, बहुत से बंदे इसे 100 कह रहे हैं, इसमें टर्बो भी लगवा रहे हैं 855 में, उसके बाद इसकी पावर सामान्य भारी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ताकत निकालता है ट्रैक्टर। 52 HP ऑन पेपर मिलता है, लेकिन 55 HP से भी ऊपर ताकत निकालता है, स्वराज की अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने वाला ट्रैक्टर है,
ऑयल डिप्यूट डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं, इसमें ड्राइव भी मिलते हो आपको, ऑप्शनल में कोई सा भी ले सकते हो। इसका हैंड ब्रेक लगा हुआ है, चार गियर फॉरवर्ड एक गियर रिवर्स के साथ हाई लो के साथ, इसमें 10 गियर मिल जाते हैं, दो रिवर्स 8 फॉरवर्ड गियर मिल जाते हैं। पीसीडीसी के लीवर बड़े ही शानदार इसमें दिखा रखे हैं, रेड और ब्लैक कलर के कवर में। यहाँ 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जर का होल्डर बॉक्स मिल जाता है इसमें, और इसमें देख सकते हो इसमें जो पीछे इसमें दो पॉइंट मिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वॉल, उसका यहाँ पर हैंडल दे रखा जो कि आपके हाथ में है। 2021 में इसमें देख सकते हो डिलक्स सीट कर दिया ट्रैक्टर की, थोड़ी सी शानदार सीट है, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने वेट के अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, इसको यहाँ पर लॉक कर सकते हो, लिफ्ट कितनी तेज, गियर आनी कितनी देर उठानी है, ठीक है ना। इसमें ये हैवी ड्यूटी पाइप कर दिया और भी ज़्यादा, जैसे स्प्रिंग से कवर कर दिया ताकि इस पर लोड ना पड़े बिल्कुल भी। ट्रैक्टर की टॉप स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा, रिवर्स में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड जाती है ट्रैक्टर की, ठीक है। और इसमें देख सकते हो यहाँ पे स्वराज अभी अपने सभी ट्रैक्टरों में यहाँ पे देख सकते हो फुट रेस्ट देता है, जैसे मान लिया किसी को भाड़े में ट्रैक्टर चलाना है, लंबी दूर तक ट्रैक्टर एक साथ जाना, तो यहाँ पर पैर को रेस्ट करा सकते हो आराम से बैठ करके। आइए थोड़ा पीछे चल लेते हैं, इसमें देख सकते हो डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल, ये मैं आपको बोल रहा था जैसे ये दे रखे आपको, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों मरघाटों में कम से कम वाइब्रेट हो, अगर लॉन्ग टाइम तक सही सलामत चले। उसमें यहाँ पर रोड भी दे रखी है बिल्कुल, जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग लाइट प्लस टूल बॉक्स दे रखा फाइबर का, और इसकी सीट में देख सकते हो वाटर होल्डर मिल जाती है, और यहाँ पे देख सकते हो कितना हैवी ड्यूटी इसमें हिच मिल जाता है, आप इसी पे भी आराम से 100 क्विंटल घंटे खींच सकते हो, आपको हैवी कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें देख सकते हो ये भी सेंस के साथ रहता है, अलग अलग अपने पॉइंट किसी भी ट्रॉली जहाँ पे भी लगानी हो आप, कितनी ऊंची रखनी है उसे कर सकते हो, और इसमें तीन तीन इसमें अपनी खेती के अकॉर्डिंग आप लिंकेज कर सकते हो, ADDC लिंकेज आती है, रिवर्स पीटीओ के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है, और पीटीओ पावर्स की 43 हॉर्स पावर मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना। और 17 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है बड़ी शानदार, इसमें कोई चैन वगैरह नहीं चलती, इसमें रोड चलती है देख सकते हो, आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो ताकि ये बिल्कुल भी वाइब्रेट ना करे, एकदम बिल्कुल फंस कर चलता है, ठीक है। और ट्रैक्टर का वेट मैंने आपको बताया दिया, इसकी टायर उसकी जो जमीन से ऊंचाई है 400 mm की है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ट्रैक्टर का काफ़ी ऊंचा मिल जाता है, 400 mm का है, और इसकी व्हील बेस जो आता है यहाँ से और यहाँ तक ये आ जाता है इसका 2050 mm, और पूरे टोटल की ट्रैक्टर की लेंथ जो है 3470 mm की लेंथ है ट्रैक्टर की। आइए ऊपर चल लेते हैं एक बार, तो इसमें ऊपर हम जैसे आगे ऊपर आके देख सकते हो अब ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा सुधार कर दिए, छोटा सा स्टीयरिंग कार जैसा कर दिया आप देख सकते हो कितना शानदार स्टीयरिंग है, कार जैसा हॉर्न मिल जाता है स्टीयरिंग में ही, आपको ये हर एक ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा दूर से देखने को भी। 2400 रेटेड RPM दिखा रखे ट्रैक्टर में, लेकिन 2000 रेटेड RPM है, और डिजिटल मीटर कर दिया इसका जिसमें आवर्स दिखाता है, और कार जैसा मीटर कर दिया, बड़ा ही शानदार लगता है। रिवर्स मिरर मिल जाता है इसमें देख सकते हो, और आइए इसकी एक बार आवाज़ सुन लेते हैं, तो भैया से हम चाबी लेंगे, इसकी एक बार आवाज़ सुन लेते हैं, जल लगवा देना। तो देख सकते हो कितनी शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की, ठीक है ना। आप ट्रैक्टर पहले जितना वाइब्रेट नहीं करता, लेकिन शानदार आवाज़ होगी, ये देख सकते हो आवाज़ की, ये शानदार आवाज़ टर्बो जैसी आवाज़ निकालता है, पूरे पावर स्टीयरिंग की कटिंग देख सकते हो, ठीक है ना। आप कटिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर की मिल जाती है, तो ट्रैक्टर आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट में जरूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में, धन्यवाद। और हाँ, इस ट्रैक्टर का मैं कंपेरिजन वीडियो भी लाने वाला हूँ, आप जल्दी इस वीडियो को भी देख पाओगे, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।